कई लोग श्रीनाथ जी जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, यहाँ मधुबाग लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने जाते हैं, तो देखते हैं कि भगवान के वक्षस्थल पर कैसे कैसे हीरे हैं, पन्ने हैं, मोती हैं, आनंद लग जाता है, आ जाता है। तो उनको देख के मन दुनिया की चीजों को सोचना छोड़ता है और भगवान में लगता है। तो भक्ति का सिद्धांत तो यह है कि बाबा पूतना के अंदर भी अपना मन लगा दो, यदि वो भगवान के घर में जा रही हो तो पूतना के पीछे पीछे चलो, नंद बाबा के घर में पहुंच गए। ये भक्ति का सिद्धांत है। इससे मतलब नहीं है कि हम अपने प्रिय के पास कैसे पहुंचेंगे। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपनी पत्नी रत्नावली के पास पहुंचना था, तो नदी पार कर ली, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लटकते हुए सांप को पकड़ के अंधेरे रात में ऊपर चढ़ गए। उन्होंने सोचा कि हमारी पत्नी को हमारी प्रतीक्षा होगी, उसने निश्चय किया होगा कि वो हमारे बिना रह नहीं सकते, तो रात को आवेंगे, दरवाजा बंद मिलेगा, तो उसने एक रस्सी लटका दी है कि हमारे पास पहुंच जाएंगे। वाह 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 वाह, कितना प्रेम है। और महाराज जो रस्सी नहीं थी वो तो सांप था, और उसको पकड़ के वे चढ़ गए। तो प्रीति की रीति ये है कि सांप भी प्रियतम के द्वारा भेजा हुआ जरिया मालूम पड़ता है, द्वार मालूम पड़ता है कि हम उसके द्वारा अपने प्रिय के पास पहुंच जाएं। तो जब यहां तक प्रीति की रीति है कि पूतना के पीछे भी चलो और नंद नंदन के पास पहुंच जाओ, तो हीरा मोती मणि माणिक्य जो तुम्हारे बारंबार के देखे हुए हैं या जिनको तुम बहुत कीमती समझते हो, इनका सहारा लेकर अगर भगवान के पास पहुंच जाओ तो फिर क्या पूछना है। तो आभूषणों का भी वर्णन करते हैं, ये बात पहले ही सुना दी, आभूषण से भगवान की सुंदरता नहीं बढ़ती है, बल्कि भगवान से आभूषणों की सुंदरता बढ़ती है। अब आप चलो जरा भगवान के आभूषणों को नहीं, उनके शरीर को देखो, शरीर में लीला को देखो, लीला में चेष्टा को देखो। लीला वो है जैसे कृष्ण है किसी ग्वाल के कंधे पर एक हाथ रख के और दूसरे हाथ से कमल घुमा रहे हैं, इसका नाम हो गया लीला। कम लीला लयनम लाति इति लीला, जो मनुष्य के मन को लीन कर दे उसका नाम लीला। चेष्टा देखो, आंख कैसे चलती है, पांव कैसे मटकते हैं, होठ कैसे फड़कते हैं, फरफर फरफर होते हैं, अदर चिबुक टुड्डी कैसे हिलती है, तो ये हो गई चेष्टा। अब इसका एक सिद्धांत आपको सुनाते हैं। इस सिद्धांत का आधा हिस्सा आज इस समय सुनाऊंगा और आधा हिस्सा कल सुबह सुनाऊंगा। ये जो हमें अपने मन को रोकना है कहीं, तो उसके लिए मुख्य रूप से दो ही आधार हैं।
एक तो आप नाम लेकर अपने मन को रोके हैं और एक कोई रूप पकड़कर अपने मन को रोके हैं और एक दोनों को पकड़कर अपने मन को रोके हैं। निराधार नहीं रुकता है बोला, जैसे अपना पांव टिकाना हो तो किसी चीज पर टिकेगा ना, बिना किसी चीज के आपका पांव टिकेगा आसमान में? आपको कहीं हाथ लगाना पड़ेगा ना पकड़ने के लिए, कोई बहे जा रहे हो तो कोई पेड़ पौधा किनारा कुछ मिले जहां दोनों हाथ पकड़ के टिक जाए। ऐसे ये मनोवृत्ति की धारा जो संसार में बहती जा रही है, इसको एक जगह टिकाने के लिए जहां दोनों हाथ पकड़ के टिक जाए, ऐसे ये मनोवृत्ति की धारा जो संसार में बहती जा रही है, इसको एक जगह टिकाने के लिए या तो आप बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण, और या तो अपने मन में सोचिए सावरा सलोना है, मोर मुकुट वारा मुरली मनोहर मंद स्मित, या तो किसी रूप को लीजिए या तो किसी नाम को लीजिए या तो दोनों के लीजिए, तब तो आपका मन टिकेगा। और आप चाहें कि हम आसमान में अपना मन टिका देंगे, कहो तो आपको हम अभी इसी समय आप खंभे में अपना मन लगाइए, लग जाए और आप न ऊपर न नीचे न भीत में दाहिने न बाएं, सामने जरा आसमान में कहीं एक जगह पर आप अपना मन टिकाइए तो नहीं टिकेगा बोला। बिना आधार के मन कैसे टिकेगा? खंभे में लगाइए लगेगा, कुर्सी में लगेगा, स्त्री में लगेगा, पुरुष में लगेगा, घड़ी में लगेगा, रुमाल में लगेगा, कोई ये आकृति है, इसी का नाम आकृति है। तो ये जो लोग सातवें आसमान का सपना देखते रहते हैं, सातवें आसमान का सपना देखते रहते हैं बिना आश्चर्य के, वो क्या चाहते हैं कि एक लता बिना पेड़ की आसमान में खड़ी हो जाए, एक रस्सी बिना आधार के ही आसमान में खड़ी हो। ये वृत्ति जो है वो बिल्कुल स्त्री है, जैसे स्त्री पुरुष के आधार पर रहती है। आप माफ करना, आप लोग आजकल की स्त्री नहीं रहना चाहते हैं, वो बात दूसरी है, आपके स्वातंत्र पर हमको कोई आक्षेप नहीं है, पर ये लता वृक्ष के सहारे रहती है, स्त्री पुरुष दोनों मिलके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वृत्ति जो है वो नामाश्रय अथवा अर्थाश्रय रहती है, चित्त की जो वृत्ति है, यदि आपको टिकाना है तो एक आकार में टिकेगी अथवा एक शब्द में टिकेगी, शब्द आकार दोनों में टिकेगी, ऐसे कैसे वृत्ति टिकेगी? इसलिए आओ, आपके मन के लिए बड़ा शुभ आश्रय, मनोवृत्ति के लिए बड़ा शुभ मंगलमय परमानंद, आपका कल्याण ही कल्याण है इसमें। सर्वांग सुंदरम हृदयम प्रसाद सुमुखे क्षणम सुकुमारम अभिध्याये सर्वांगे सुमनोदधत। सर्वांग सुंदरम, शास्त्रों में इसका नाप है वो शरीर का, कितनी जगह थोड़ा गढ़ा होना चाहिए, गढ़ा शरीर में कितनी जगह थोड़ा उभरा हुआ होना चाहिए, अंगुली कितनी मोटी होनी चाहिए, हाथ कितनी बड़ी बड़ी होना चाहिए, सबका नाप लिखा है, नाप नाप जो इसी से जो नाटे होते हैं उनको लंबी धारी का कपड़ा चाहिए है, जो है ना, जो लंबे होते हैं उनको गोलधारी का चाहिए बोला। ये सब छोटी आंख हो तो चश्मा ही बड़ा लगा लो। ये सब शरीर को सुंदर बनाने की प्रक्रिया होती है। वो तो भगवान कहते हैं कि उनके एक एक अंग जैसे होने चाहिए वैसे ही हैं, दोनों पांव, पांव की उंगलियां है ना, दोनों हाथ, दांत, आंख, नाक, कान,
सर्वांग सुंदरा, एक एक अंग सौंदर्य के निधान हैं। अरे भाई तुम्हें सुंदरता चाहिए, सुंदरता चाहिए तो महत्ता भी चाहिए। ये जो बेवकूफ लड़की लड़के होते हैं ना, तो दुनिया में केवल दो ही चीज देखते हैं, इनकी आवाज बड़ी मीठी है, बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं, और इनकी शकल सूरत बड़ी सुंदर है। का नहीं, आपको हम ऐसे भगवान की बात बताते हैं जो समग्र सृष्टि के तो मालिक हैं, नियंता हैं, अंतर्यामी प्रभु हैं, और लक्ष्मी के ऐश्वर्य के स्वामी हैं। ऐश्वर्य का स्वामी ओला मोना माने उन्हीं की हुकूमत है, अंत प्रविष्ट शास्ता जनाना, दुनिया में उनकी हुकूमत है, और संपूर्ण धन के स्वामी हैं, और बड़े सुंदर हैं, और बड़े प्यारे हैं, और हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। उनकी आवाज भी मीठी है, अंग अंग भी सुंदर हैं, पर कोई कोई सुंदर भी बड़े कठोर होते हैं। तो सुकुमारम अभिध्याये, मैं पहले सोचता था हूँ कि जिसकी चमड़ी गोरी गोरी होती है तो आंख को देखने में तो बहुत अच्छी लगती है ना, तो मैं सोचता था कि जिसका चाम गोरा होता होगा उसका शरीर बहुत सुकुमार होता होगा। तो मैंने एक बार छू के देखा, हरिद्वार में था तो वहां कोई देखने में जो बहुत सुंदर लगते थे ऐसे व्यक्ति आए थे, तो लोग ले गए देखने के लिए, भीड़ लगती थी देखने के लिए। तो मैंने जाके उनका हाथ पकड़ के छुआ, तो मैं सोचता था कहीं टूट न जाए, कहीं हमारी उंगली गड़ न जाए, पर वो तो सुंदर होने पर भी बड़ा कठोर था वो हाथ। तो सुंदरता में भी सुकुमारता चाहिए, ये सौंदर्य में सुकुमार्य चाहिए, रूप देखने में बहुत सुंदर हो परंतु सुकोमल भी हो, और सुकोमल भी हो सुंदर भी हो पर रसीला भी चाहिए, कुछ स्वाद भी आवे। भगवान का रूप देखो उसमें दुर्गंध आती हो। एक सज्जन हैं अभी ईश्वर कृपा से बने रहे, भगवान करे बड़े ऊंचे होते तो हैं, जो स्त्री नहीं है पुरुष है। तो एक दिन मैंने उनको हाथ से ऐसे पकड़ के अपने हृदय से लगा लिया, तो उन्होंने छठ हाथ जोड़ लिया और बोले कि महाराज जी मेरे शरीर में से बहुत बुरी गंध निकलती है, दुर्गंध निकलती है, मैं आपके पास आने योग्य नहीं हूँ, ऐसा बोले हो। हमारे शरीर देखने में बड़े अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, परंतु उनके शरीर में से दुर्गंध निकलती है। अब आजकल तो महाराज जिसके दुर्गंध ना हो वो भी दुर्गंध बना लेता है, तो जिसके मुंह में धुआं नहीं है, प्यार भरी सांस है, वो भी अपने मुंह में धुआं भर के उसको दुर्गंधित कर लेता है, तो वो बात दूसरी है। तो अब देखो भगवान का शरीर जो है वो सुगंधमय है, आपकी नासिका के लिए ऐसी मीठी मीठी मह मह महकती हुई गंध मिलेगी, आप मतवाले हो जाए, मस्त हो जाए। भगवान का शरीर बड़ा सुरीला है, रसीला है, बड़ा रसीला है, बहुत सुंदर है, मधुर है, बहुत सुकुमार है, उनकी आवाज बहुत सुरीली है, उनके पांव की ध्वनि वह पगध्वनि मेरी पहचानी। अब अपना मन आप लगाइए, सर्वांग सुंदरम, एक एक देखिए उनका मुकुट कैसा, मुकुट के नीचे बाल कैसे, काले काले, घुंघराले, महीन, चिकने, घने, ऐसे नहीं हो ना। आजकल तो महाराज जान बूझ के अपने बालों को, बुरा कोई मान जाए तो, ईश्वर पशुओं को जैसा बाल बनाते हैं ना, तो किसी किसी के तो बड़े सुंदर होते हैं पशुओं में भी, परंतु मनुष्य के बाल को मनुष्य तरीका नहीं रहने देते हैं, कहीं घोड़े की पूंछ तरीका बनाते हैं, कहीं सुअर तरीका बनाते हैं, वो कड़े कड़े है ना, कटीले कटीले बिखरे हुए। तो भगवान के बाल कैसे देखो, काले, घुंघराले, चिकने, महीन और घने, बोला घने, बीरर नहीं,
कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, ऐसे नहीं। घने हैं, चिकने हैं, महीन हैं, घुंघराले हैं, काले हैं। मुकुट के नीचे देखो बाल हैं, और केसर का चंदन सांवरे ललाट पर विस्तीर्ण ललाट का चंदन है। वो महाराज जिंदी लगी है, वो बड़ी बड़ी भौहें है ना, धनुषाकार, वो बड़ी बड़ी दोनों आंखें, वो प्रेम से भरी हुई। भगवान की आंख हिंदुस्तानी है, वो यूरोपीय नहीं है, बोला तो आप जानते हैं ना, हिंदुस्तानी आंख से भगवान रस बरसता है, आंखों से रस बरसता है, जैसे श्याम मेघ, जैसी अत्यंत श्याम मेघ का एक टुकड़ा आंख में बरस रहा हो, बस रहा हो, और उससे प्रेम प्रेम की बूंदें बरस रही हैं। अमीय हलाहल मद भरे श्रेष्ठ श्याम रसनार, अमृत भरा हुआ है, मुर्दा भी जिंदा हो जाए जिसके ऊपर वो आंख पड़े। महाराज बीस छाज दुनिया मर जाए, मतवाले हो जाए, अमीय हलाहल मद भरे श्वेतिमा है, श्यामता है, रतनारे हैं, नुकीले हैं, अनियारे, नुकीले को अनियारे बोलते हैं, अनि बोलते हैं नोक को, नोक को अनि बोलते हैं, अनियारे नेत्र हैं, अनियारे दीर्घ नयने कितिन तरुण समान, यह चितवन और कछु जही बस हो तो सुजान, ऐसी चितवन है। आंखों से मांग ले, आंखों से दे दे, आंखों से हा कर दे, आंखों से ना कर दे, आंखों से नचाए दे, आंखों से हंसाए दे, आंखों से रुलाए दे, ऐसी आंख होती है, जरा तिरछी करके देखो, हम ऐसे लोगों को जानते हैं, जरा आंख ऐसे करके देखते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं, बोला, और महाराज प्यार से देखें तो देखने वाला मस्त हो जाए, आंखों में तो सब कुछ है, अपनी व्याकुलता प्रकट कर दें, जांचना कर दें, जरा भगवान की आंख से आंख मिला के आप देखिए तो आपको भगवान क्या कह रहे हैं, अपनी आंखों से आपको प्रेम भरा निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं आपको, कदम्ब तरे आ जाइयो, आओ कदम्ब के नीचे आओ, मिल जाना हमसे, मिल जाना, कदम्ब तरे आ जाइयो। तो भगवान की आंख, भगवान की भाव, भगवान के कपोल, कुंडल मंडित गंड गंडक स्थल की छवि, कुंडल मंडित गंड मंडल की छवि जो है बड़ी कपोल, सुनहले कुंडल है, मकर आकृति है, और सुचिक्कन कपोल में उनकी परछाई पड़ती है, मालूम होता है जैसे श्याम सरोवर में, श्याम सरोवर में दोनों ओर मछली नाच रही है, बोला ऐसे मीन की तरह, ऐसे भगवान से नक बेसर नाक के नीचे, अजह उत्तरे हो ना ही रहे हो, श्रुत सेवत के अंग, नाक बात बेसर ले हो, रही मुकुतन के संग, भगवान के नेत्र, भगवान की इन अखियां, इन दुखिया अखियां को सुख सिरजोई नाए, देखत बने न देखते बिन देखे पछताए, लगा लगी लोयन करें नाहक मन बन जाए, ऐसी भगवान की आंखें, प्यारी प्यारी आंखें, मद भरी आंखें, अमृत भरी आंखें, विष भरी आंखें हैं, बांसुरी बजाए दो कि विष बगराए दो, बांसुरी बजा के गया कि विष घर फैला के गया, घर में मन नहीं लगता है। तो ऐसे सर्वांग सुंदरम हृदयम, तो देखो एक तो कारण कारण है, सर्व कारण कारण है, ये उनकी महत्ता हुई, ऐश्वर्यशाली हैं, बड़ी ऊंची कुर्सी है, उनसे ऊंचे और किसी के नहीं, बड़े भारी संपत्तिशाली हैं, बड़े भारी संपत्तिशाली हैं, लक्ष्मी के पति हैं, परम सुंदर हैं, तरुण हैं, सुकुमार हैं, और प्रेम जानने वाले हैं, प्रेम को पहचानते हैं, दुनियादार लोग प्रेम को नहीं पहचानते हैं, आपको मालूम है, आप जिससे प्रेम करो वो आपके प्रेम के प्रति कृतज्ञ नहीं है, जानते ही नहीं है कि हमारे प्रेमी हैं, तुम्हारे दिल की क्या जाने, परंतु भगवान तो जानते हैं कि ये हमारा प्रेम कृतज्ञ है। एक
एक शास्त्रीय चर्चा आपको सुनाता है। हमारे रीति ग्रंथों में काव्य के रीति ग्रंथ होते हैं ना, काव्य का एक तो काव्य होता है जैसे जैसे रघुवंश, और एक रीति काव्य है, रीति ग्रंथ है, जैसे साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, रस गंगाधर है ना, कुबल आनंद, ये सब क्या है, ये रीति ग्रंथ है। रीति ग्रंथ बड़े बड़े विचित्र है। ये विचार किया कि प्रेम का आलंबन क्या है, आपके ध्यान में जल्दी नहीं आ रही बात, माने जैसे आंखें जाके रूप पर अटकती हैं ना, और कान जाके मिठास पर अटकते हैं, कान का आलंबन है मीठा शब्द, वो चाहे बांसुरी का हो, सितार का हो, वीणा का हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, जिस आवाज में मिठास होगी वहां जाके कान अटक जाएंगे, और जिस सुंदरता में मिठास होगी उसमें आंखें जाके अटक जाएंगी। तो ये प्रश्न उठाया ऋषि के ग्रंथों में कि प्रीति का आलंबन क्या है, हमारा प्रेम जाके कहाँ अटकता है। प्रश्न आपकी समझ में आ गया ना, प्रीति का आलंबन क्या है। तो आप कहेंगे कि धन होगा, धनी को देख के प्रेम होता है ना, आजकल लड़की बोलती है कि मोटर होगी तब ब्याह करेंगे, बिना मोटर वाले से क्या ब्याह करना। तो मोटर प्रेम का आलंबन हो सकती है क्या, तो बिल्कुल झूठी बात है, कपड़िया महल चाहिए, महल भी प्रेम का आलंबन नहीं होता, ऐसे खूब पैसा चाहिए, पैसा भी प्रेम का आलंबन नहीं होता, पैसा लेंगे पैसे वाले से, प्रेम करेंगे दूसरे से, ये होता है। तब प्रेम का आलंबन क्या है, आप अपने मन में सोच लीजिए, तब हम ऐश्वर्य, ऊंची कुर्सी, हुकूमत, धन, सुंदरता, जौवन, प्रेम का आलंबन क्या होता है, ये आपके मन में एक प्रश्न जगा रहा है, आप सोच लीजिए पहले, फिर मैं उत्तर देता हूं। आप मिला के अपने आप को नंबर देना, अगर हमारा दिया हुआ उत्तर आपके मन में नहीं आवे तो आप फेल हो जाएंगे। बोला आप अपने मन में सोच लीजिए, आंख जैसे जाके सुंदरता पर अटकती है और कान मीठे शब्द पर अटकता है, वैसे हमारा प्रेम आखिर में जाकर कहाँ अटकता है, उसका आलंबन क्या है। अच्छा आप बोल देते हैं, देर नहीं करते हैं, अब आप सोच चुके होंगे, मैं सोचता हूँ, ज्यादा ढूंढो मत, प्रेम का आलंबन प्रेम ही होता है, दूसरा नहीं होता। यदि सामने वाले से प्रेम आवेगा तो प्रेम जाकर मिलेगा, न वो धन से मिले, न कुर्सी से मिले, न मोटर से मिले, न मकान से मिले, न जवानी से मिले, न सुंदरता से मिले, प्रेम प्रेम से ही मिलता है। ये देखो शास्त्रीय निर्णय आपको सुनाया, बोला किसी किसी की जानकारी में इससे वृद्धि जरूर होगी, सामने वाले का प्रेम जब आवेगा तब आपका प्रेम उससे मिल जाएगा, और आपका प्रेम उसके जाएगा किसी भी चीज पर, लेकिन टिकेगा तभी जब सामने से प्रेम मिले। सर्वांग सुंदरम हृदयम, ये बात भक्ति रसामृत सिंधु में, उज्ज्वल नीलमणि में, और मुख्य रूप से इस पर जो युक्ति प्रयुक्ति पूर्वक जो विचार है वो जीव गोस्वामी के सख संदर्भ में है, प्रीति संदर्भ में, पुस्तकों का नाम भी आपको बता देते हैं, प्रीति संदर्भ में इस पर बहुत बड़ा विचार है कि आखिर प्रीति का है ना आलंबन क्या है। आलंबन जो कृतज्ञ होए, जो कृतज्ञ होए, प्रीतिमान होए, उदार होए, बोला अपनी बात पर जिद रखने वाला ना होए, बोला जिद्दी से प्रेम नहीं होता है, जो झट अपने मन को तोड़ के सामने वाले के मन से मिला देगा उससे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि अहम से अहम लड़ जाता है, और जो अपने अहम को तोड़ देगा उसके प्रति अहम झुक जाएगा, कि भाई इसने तो अपना अहम तोड़ दिया तो हम झुका दें, अब भगवान से प्रेम करना है आपको। एक बात और, संबंध से भी प्रेम होता है। संबंध से प्रेम कैसे होता है, सर्वांग सुंदरम, प्रेम में ध्यान हो जाता है, आप नहीं भूलना, जिससे प्रेम होता है बिना प्राणायाम के, बिना आसन से बैठे
बिना आंख बंद किए जिससे प्रेम होगा उसका ध्यान होने लगेगा। तो प्रेम तो आप भगवान से कीजिए, सर्वांग सुंदरम हृदयम संबंध बना लीजिए। अच्छा एक बात आपको सुनावे, प्रेम में यदि आप कहीं भी दुराव रखेंगे, वो दुराव कैसा होता है, जैसे आप कहें कि सब चीज तो हमारे, हम प्रेमी हैं और हमारा प्रियतम हमारा सर्वस्व है, हमारी सब चीज उसके लिए है, लेकिन एक चीज छोड़ दे, तो वो जो एक चीज की पकड़ होगी ना, वो प्रीति के प्रवाह में बाधा डाल देगी। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे पत्नी का सर्वस्व अपने पति के लिए, पर्दा कहाँ बतारता हूं जिन देखे सारे अंग, ऐसे जब भगवान के लिए अपना सर्वस्व हो जाता है, अपनी बनाई हुई रोटी भगवान के खाने के लिए और अपना पहना हुआ कपड़ा भगवान की आंख को सुख देने के लिए, अपनी बोली हुई आवाज भगवान को सुखी करने के लिए, अपने शरीर में कौन सा इत्र लगाना, जो प्रभु को अपने प्यारे को जो पसंद आता है सो इत्र लगाना, भोजन क्या बनाना का जो प्रभु को अच्छा लगता है, कपड़ा कौन सा पहनना का जो उनको प्यारा लगता है, स्पर्श क्या करना का जो उनको अच्छा लगता है, बोली क्या बोलना का जो उनको प्यारी लगती है, जहां अपना आपा बिल्कुल उनका हो जाता है, ऐसा संबंध चाहिए भगवान के साथ, ऐसा संबंध चाहिए। सर्वांग सुंदरम हृदयम, एक दिन शर्मा जी कह रहे थे ये जो मलाई की पूरी होती है उसमें क्या रस डालते हैं, चाशनी, भीतर तो चाशनी का रस पड़ा हुआ और मलाई की पूरी, ये जो मलाई की पूरी यहाँ बाजार में बिकती है वो नहीं हो, हाँ वो बनारस में बनती है, वो कलकत्ते में बनती है, बिल्कुल ज्यों की त्यों मलाई नरम नरम, और बीच में उसके निकल आई चाशनी, तो जब उसको मुंह में डालते हैं तो केवल मुंह में स्वाद ही नहीं आता है, आंख भी तृप्त हो जाती है, दिमाग भी तृप्त हो जाता है, हृदय में एक प्रकार की शीतलता आ जाती है। हमको किसी हलवाई ने मलाई की पूरी का विज्ञापन करने के लिए कोई कमीशन नहीं दिया है, बोला अरे ये भगवान का रूप क्या है कि बिल्कुल मलाई की पूरी है, बोला मलाई की पूरी ये हम बता रहे हैं। अच्छा यहाँ श्रीखंड बनाते हैं ना, श्रीखंड देखो कहीं उसमें कड़ापन रहता है, कड़ापन का नाम है, हृदय वस्तु है वो, मलाई हृदय है, श्रीखंड हृदय है। तो इसी प्रकार सांवरे सलोने भगवान का जो ध्यान है ना, गौर सुंदर का, कृष्ण सुंदर का, श्याम सुंदर का, ये जो ध्यान है उनका रूप कैसा है, कब बिल्कुल रस भरी मलाई, बिल्कुल अपने हृदय के लिए श्रीखंड, जो भीतर दिख गया नारायण, आंख तर, दिमाग तर, दिल तर, एक बार आपके हृदय में भगवान आ जाए, हृदयम हो हृदय, ये आयुर्वेद का शब्द है हृदय, आपने तो पढ़ाई है गीता में, भला किसने नहीं पढ़ा होगा, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा, आहार हृदय होता है, तो ये भगवान भी एक आहार है, किसके आहार है, कब प्रेम के आहार, मन के आहार। कहो इस प्रसंग में एक बात आपको और सुना दें, जिसके हृदय में एक से प्रेम हो जाता है उसके हृदय में किसी भी दूसरे के प्रति मच्छर सांप भेड़िया शेर दुश्मन किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। एक ही बात आपके ध्यान में कभी ना आई हो तो सुन लो, ये झूठे प्रेमी तो बहुत बोलते हैं,
कि क्या इसकी बात क्या है। तो देखो हृदय है एक और उसमें प्रियतम आया एक और उससे प्रेम हुआ एक, अब उसमें द्वेष की आग जला करके दूसरे को जलाने के लिए जाएंगे तो तुम्हारा प्रियतम कहाँ रहेगा, तुम्हारा प्रेम कहाँ रहेगा। दुनिया में किसी से भी द्वेष करके और अपने को प्रेमी कहना ये बिल्कुल मनोविज्ञान के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि दिल है एक, उसी में एक से प्रेम एक से द्वेष, एक से प्रेम एक से द्वेष नहीं रह सकता। यदि आप द्वेष करेंगे तो आपके दिल में जलन होगी, वो आपको तकलीफ देगा। सर्वांग सुंदरम हृदयम, हृदय आपका हृदय बार बार उसी का आहरण करता है, जहां से देखो उसी को ले लेगा, जहां से देखो उसी को ले लेगा। सर्वांग सुंदर, एक एक अंग सुंदर और हृदय के लिए अति रमणीय अति शीतल। सर्वांग सुंदरम हृदयम प्रसाद सुमुखे क्षणम। देखो एक आंख ऐसी होती है जो चाहती है कि हम सामने वाली चीज को चाट जाएं। आया आपके ध्यान में, उसको बोलते हैं वासना की आंख, भूखे की आंख, प्यासे की आंख, वासना से भरपूर की आंख, एक होती है उसको हम पहचानते हैं। और एक आंख होती है साकी की आंख, साकी जानते हैं, साकी जो पीने के लिए व्याकुल है उसकी आंख दूसरी होती है, और जो पिला रहा है उसकी आंख दूसरी होती है। तो भगवान की आंख ऐसी नहीं है कि वो पीने के लिए भूखे प्यासे व्याकुल है, भगवान की आंख पिलाने के लिए व्याकुल है, उनकी आंखें प्याला है, उनमें मधु भरी हुई है और पिलाने वाले भगवान हैं। प्रसाद सुमुखे क्षणम, प्रसाद बांटने वाला देने वाले से कुछ चाहता नहीं है, वो तो खड़ा होता है, जो आया उसको देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। तो भगवान के पास एक सदाबर खुली हुई है ना, और अपनी आंख के प्याले में भर करके है ना, आंख के सारा मुख ऐसा सुंदर और नेत्रों में इतना प्रसाद कर, तुम लो भाई, तुम लो भाई, तुम लो भाई, प्रसाद बांट रही है, पिला रही है उनकी आंखें, पिला रही है उनकी आंखें। प्रसाद सुमुखे क्षणम, ऐसी बढ़िया चितवन है कि सारा मुख प्रसाद की वर्षा कर रहा है, उनकी आंख से आंख मिला। सुमुखे क्षणम सुकुमारम अभिध्याये, ऐसा है बाबा कि वो हमसे मिलता है तो वो हमसे समा जाता है, हमारे अंदर समा जाता है, हम उससे मिलते हैं तो हम उसको समा जाते हैं, ऐसा समाते हैं। पिबंत व चक्षुर्भ्याम लिहंत व जिह्वया, जैसे आंखों से पी जाएंगे, जैसे जीभ से चाट लेंगे, वो हमारा भोग्य है हम उसके भोग्य हैं, वो हमारा भोगता है हम उसके भोगता हैं, भोगता और भोग्य का भेद नहीं है। एक ऐसा रस है जिसकी दो तरंग है, एक भोगता और एक भोग्य। जब भोक्ता जाके भोग्य से मिलता है तो भोग्य हो जाता है, जब भोग्य भोक्ता से आके मिलता है तो भोक्ता हो जाता है। और ये भोक्ता और भोग्य की लहरें जो हैं प्रेम के महासमुद्र में, दो लहरें उठ रही हैं, एक दाहिने से उठ के बाएं जाती है, एक बाएं से उठ के दाहिने आती है, एक का नाम है राधा, एक का नाम है कृष्ण, एक का नाम है सीता, एक का नाम है राम, एक का नाम है गौरी, एक का नाम है शिव। वही रसिक है और वही रस्य है। ये जो सच्चिदानंद घन महोदधि का जो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं स्वतः स्पंदन है, उसी का नाम प्रेम रस है, प्रेम रस है।
उसका आस्वादन वो करता है, उसका आस्वादन वो करता है। इस रस का जिसको चस्का लग जाता है, ये स्पंद है सुकुमारम अविद्या, कड़ापन नहीं है, कड़ापन नहीं है माने त्रिरूप का भंग हो गया है, भोक्ता भोग्य और भोग। पुरुष कहता है कि हम भोक्ता हैं और स्त्री भोग्य है और भोगत क्रिया संपन्न होते हैं। स्त्री कहती है अपने मन मन में सामने, हम भोक्ता हैं, भोग की क्रिया संपन्न हो रही है, पुरुष भोग्य है। परंतु परमेश्वर में भोक्ता का की कठोरता, भोग की जड़ता, भोक्ता की कठोरता, भोग क्रिया का परिश्रम कुछ नहीं है, न संभोग का परिश्रम है और न भोग की जड़ता है और न भोक्ता में, न भोक्ता में कठोरता है, तीनों मिलके इसका नाम होता है रस, इसका नाम होता है प्रेम। सर्वांगे तु मनोदधत, मुख से लेकर के चले आइए, ये मुकुट है, ये ललाट है, ये भाव है, ये नेत्र है, ये नासिका है, ये कपोल है, ये कुंडल है, है? और ये अधर और ओष्ठ है, ये चिबुक है, ये कान में कुंडल है, नासिका में वेसर है, दांतों में श्वेतिमा है, अधरों में लालिमा है, रस की मधु की वर्षा हो रही है। नारायण, कंठ में मणि है, बाहु में भुजबंद है, और पहुंचे में कंगन है, अंगुली में अंगूठी है, क्या सुंदर शरीर है, और हृदय पर वनमाला है, और वक्षस्थल पर श्रीवत सरोवराजी है। नारायण, लक्ष्मी जी उसमें छिपी हुई का चिन्ह है, कंधे पर पीतांबर है, सो लटक रहा है, फेंटा कसे हुए हैं, वस्त्र के भीतर से श्याम श्याम जो गंगा है, और पिंडलियां हैं, घुटने हैं, वो दिखाई पड़ते हैं, बड़ा सुंदर पंजा, त्रिभंग त्रिरूप भंग, त्रिभंग ललित भाव से खड़े हैं, लाल लाल तड़वा तलवा है, नाखूनों में रश्मि है, पांव में नूपुर है, कभी कभी रोज जोन प्रमुख प्रमुख के पाद विन्यास करते हैं, तो मुस्कुरा देते हैं, हाथ मिला लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, खा लेते हैं, खिला देते हैं। सर्वांगेषु मनोदधत, कभी बांसुरी बजा के नाचते हैं, कभी पास आ जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं। सुकुमारम अभिध्याये सर्वांगेषु मनोदधत, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य, तन मनः बुद्ध्या सारथिना धीरः प्रणयेन मयि मानसम्। जरा गर्मी सर्दी लगे तो सह लो, है ना, मच्छर अच्छर काटे तो उनको मारने की जरूरत नहीं है, काटने दो, नाक में कोई मक्खी घुसती हो तो घुस जाने दो, कोई परवाह नहीं, कहां तक घुसेगी बिचारी, है ना, आखिर अपने आप ही लौटे आवे। तो क्या करना, का धीर और संसार के विषयों से अपने मन को खींच कर भगवान में अपने मन को प्रणीत करे, प्रणय, इसका नाम प्रणयन है, प्रणयन कर, बुद्धि के द्वारा मन से कहे कि अरे ओ मेरे मन, दुनिया में जहां तू प्रेम करने जा रहा है ना, वहां भोग की वासना बनेगी, वो चीज हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, सड़ जाएगी, वो चीज मर जाएगी, वो चीज बिछुड़ जाएगी, वो वस्तु बेवफा हो जाएगी, करे वो मन उधर मत लग, आ आ हमारे हृदय में बैठे हुए जो ये जो भगवान है बुद्धिया तारतिना, और फिर अपने मन को विषयों की ओर से खींचकर अपने हृदय में ही बैठे हुए जो भगवान है उनमें अपने मन को लगाना चाहिए। प्रणयेन मयि मानसम तत्सर्वव्यापकम चित्तम आकृष्यैकत्र धारयेत्। बोले कब तक मन से गुदगुदावेंगे भगवान को, का भी सिर सहला रहे थे, हो मन के हाथ से भगवान का सिर सहला रहे थे, तुरंत उनके कपोल पर हाथ आ गया, का उनके कान में जरा उंगली डाल के हिला दिया, भगवान हर बार मुस्करा जाते हैं, उनके गले में, का उनके गले में हाथ डाला तो वहां मुस्करा गए, छाती पर हाथ लगाया वहां मुस्करा गए, हाथ से हाथ मिलाया तो वहां मुस्करा गए। तो जैसे भगवान को गुलगुली करके हंसा रहे हो, बारंबार हंस जाए, बारंबार हाथ पकड़ लें, ऐसे
लेकिन कब तक कैसे करेंगे कि उनके सारे शरीर पर हाथ फिराएं, है ना। तो बोले कि आओ एक जगह पर अपने मन को लगा दो। अब देखो, अब ये ध्यान का संक्षेप करते हैं। जो ध्यान 3.5 हाथ में फैला हुआ था, अब उसको धारणा एक देश में लाते हैं। तत्सर्व व्यापकम चित्तम आकृष्य एकत्र धारयेत्, नान्यानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेत् मुखम्। और जगह मत जाने दो, केवल मुखारविंद को देखो। ये अपने मन में जो भगवान है ना, उनके साथ धर्म अधर्म नहीं देखा जाता, बोला उनके साथ ऐश्वर्य अनैश्वर्य नहीं देखा जाता, वो तो सब उनके अंदर रहता है। भगवान की छाती में धर्म रहता है तो उनके बीच में अधर्म रहता है। ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, राग और वैराग्य, ज्ञान और अज्ञान, ये तीनों, ये चारों जोड़ी जो हैं, क्या क्या, धर्म और अधर्म, राग और वैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, और ज्ञान और अज्ञान, ये चार जोड़ी माने 8 चीज भगवान के शरीर में निवास करते हैं। आप कहीं भी उसको पकड़िए और महाराज आपके मन में जो जो वासना होए सो तो भगवान से पूर्ण कर लीजिए। वहां मनुस्मृति का शासन नहीं चलता है, वहां न कुरान है, न पुराण है, न बाइबल है, न वहां मनुस्मृति है, न जाग्ञ बल्कि स्मृति है। इतना घोर एकांत है वहां, इतना घोर एकांत है कि केवल आप हैं और आपका प्रियतम है। वहां कोई तीसरा देखने वाला नहीं है, देखने वाला है तो वो और देखने वाले हैं तो आप, और दूसरा कोई वहां देखने वाला नहीं है। आप वहां ऐसे मिल जाइए अपने प्रियतम से, ऐसा रसास्वादन कीजिए, ऐसा रसास्वादन कीजिए कि दुनिया का दुख मिट जाए, ऐसे ज्ञान में स्थित हो जाइए कि अज्ञान मिट जाए, ऐसा प्रकाश जहां अंधकार की छाया भी नहीं जाती है, ऐसा धर्म जहां धर्म पहुंच नहीं सकता, ऐसा ऐश्वर्य जहां ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं है, ऐसा वैराग्य दुनिया से जहां राग बिल्कुल नहीं, और ऐसा राग महाराज वहां धर्माधर्म से अतीत स्थिति है, ऐश्वर्य अनैश्वर्य से अतीत है, राग वैराग्य से अतीत है, और ज्ञान अज्ञान का जो भेद है ना, इससे भी अतीत है। ऐसा ये रसमय प्रेम, ये मधुमय प्रेम, ये लास्यमय प्रेम, ये परमानंद गहन प्रेम, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। तो तत्सर्वव्यापकं चित्तं आकृष्य एकत्र धारयेत्। दूसरा कुछ मत चिंतन करो, केवल मुस्कुराते हुए मुखारविंद को देखो, मुस्कुराते हुए मुखारविंद को देखो। अब आगे का प्रसंग आपको कल सायंकाल सुनावेंगे।